किया जाता है कि केदारनाथ जाने वाला रोड जगह जगह पर बाधित है, मलबा और पत्थर आ रखे हैं। आप लोग यही मार्केट में सुरक्षित जगह पर रहें, होटलों में रहें। केदारनाथ के भक्तों के लिए मुसीबत, लगातार बरस रही आफत, ना इधर जा सके और ना उधर। ये अनाउंसमेंट सुनकर आप इन दिनों केदारनाथ यात्रा का हाल जान गए होंगे। इन दिनों जिस तेजी से पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपाया है, उसने हर किसी को परेशान कर दिया है। पहाड़ों पर आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ों में अब लैंडस्लाइड भी बढ़ने लगा है, जिस वजह से चारधाम हाईवे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं केदारनाथ जाने वाले यात्री भी फंस चुके हैं। पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थर और मलबे ने हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगा दी है। चारधाम यात्री भी बारिश के पानी और भूख प्यास से हाईवे के किनारे बुरी तरह फंस चुके हैं। मानो ये बारिश यात्रियों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही हो। बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा पर भी ब्रेक सा लग गया है। अभी कुछ दिनों पहले भारी मात्रा में जहां भक्तों का सैलाब चारों धाम में उमड़ा हुआ था, वहीं अभी यात्रा थम सी गई है। पूरे रुद्रप्रयाग में अफरा तफरी मची हुई है। केदारनाथ यात्रियों ने अपनी मुसीबत को जुबानी बयां किया है। सर अभी भी काफी आगे जो बहुत खतरा बना हुआ है और पीछे भी काफी खतरा था। बाकी जो प्रशासन लगा हुआ है अपने कार्य कर रहे हैं। देखो आगे ऊपर मालिक है। बारिश की वजह से अब आम जनजीवन भी बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। ये दरकते पहाड़ इन दिनों पहाड़ों का हाल बयां कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यात्री इस वक्त चारधाम हाईवे पर फंसे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से एवं कांवड़ियों से जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि केदारनाथ धाम में लगातार तेज बारिश हो रही है। इसके साथ साथ जो यात्रा मार्ग है हमारा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड आदि जगहों पे भी लगातार बारिश हो रही है एवं जनपद रुद्रप्रयाग में ही कल से ही बारिश चल रही है। इसलिए सभी यात्रियों से ये अनुरोध है कि जो भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं वो मौसम की जानकारी लें और बारिश को जरूर देखते हुए ही अपना प्लान करें। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे गौरीकुंड के पास, मुनकटिया और तिलवाड़ा के पास भटवाड़ी सैंड सहित कई इलाके बंद हो चुके हैं, जहां करीब हजारों यात्री फंसे हुए हैं। वहीं नेशनल हाईवे की ओर से हाईवे को खोलने की कोशिशें तो हो रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश इन कोशिशों को नाकाम कर रही है। बद्रीनाथ हाईवे भी बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। सिरू बगड़ में लगातार बोल्डर गिरने लगे हैं। अभी आफत वाली बारिश कब थमेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पूरे हाईवे में यात्री परेशान हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।